देखिए, कल फाइनल डिस्पोजल पे केस है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने रिटन आर्गुमेंट्स के लिए हमें कहा था। रिटन आर्गुमेंट्स तैयार हैं, आज पेश हो जाएंगे। करीब 6 से 7 प्रश्न हैं जिनके ऊपर बहस है, विद एविडेंस, विद प्रूफ्स। ये सारे हमारे पास प्रूफ्स हैं जिसके तहत कल बहस होगी। एक छोटा सा मुद्दा ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन फाइनल होती है। नो डाउट एक्सपर्ट ओपिनियन फाइनल होती है, बट अगर कहीं स्टार्क डिफरेंस आ रहा है, कहीं एक प्रॉब्लम आ रही है जो क्लियर दिख रही है, 2+2 अगर 5 दिख रहा है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन को भी चैलेंज किया जा सकता है। यही हमारा पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये है, रिसेंट 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, इसमें ये कहा गया है कि अगर एक्सपर्ट ओपिनियन में स्टार्क डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि मेजर कोई प्रॉब्लम स्पष्ट दिख रही है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन को भी चैलेंज किया जा सकता है। ये जज के स्वविवेक के ऊपर डिपेंड करता है, माननीय न्यायाधीश महोदय के स्वविवेक के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उन ऑब्जेक्शंस को किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, कल पूरी पूरी संभावना है कि कल फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा। कल कोर्ट नंबर 12 में माननीय जज साहब जो हैं समीर जैन साहब, उनके समक्ष पहला ही केस ही होगा, और जितनी देर भी इसकी बहस होगी वो उतनी देर चलती रहेगी, पूरे दिन। अगर और ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो नेक्स्ट डे तक वो कंटिन्यू रहेगी। निश्चित निकालना पड़ेगा, निश्चित निकालना पड़ेगा। अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो बोर्ड को परिणाम दोबारा निकालना पड़ेगा। हाँ, इसमें ये चीज़, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि जो लग गए उनका क्या होगा, जो नहीं लगे उनका क्या होगा। ये डिपेंड करता है फाइनल जजमेंट पे और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे। बट हाँ, अगर एक भी क्वेश्चन में चेंज हुआ तो परिणाम दोबारा निकालना पड़ेगा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 6 से 7 प्रश्न जो हमारे हैं उन पे पूरी ताकत के साथ हम हमारी बहस करें, हमारे प्रूफ्स रखें, रेस्ट कल देखा जाएगा। कुल कितने प्रश्नों पर एक्सपेक्टेशन? कुल तो सर 25 प्रश्न हैं, पर मेजर जो क्वेश्चंस हैं जिन पे प्रूफ्स हैं और जो वैलिड प्रूफ्स हैं वो 6 से 7 प्रश्न हैं। देखिए, ये कंप्लायंस रिपोर्ट है बोर्ड की, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 बिस्सलदेव रासो, 19 के बाद है क्वेश्चन नंबर 55 जो असुविधाग्रस्त वाला जो क्वेश्चन था, जो कि डिलीट हो गया है, वो ये 55 क्वेश्चन वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप वाला। इसके बाद है सर क्वेश्चन नंबर 84, कितने टीचर्स अपर प्राइमरी स्कूल में होने चाहिए। उसके बाद है सर क्वेश्चन नंबर 113, डोंट बीट अराउंड द बुश, ये वाला क्वेश्चन जिसको डिलीट किया गया है अगेन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118, रिलीजियस प्लेस और वो गवर्नेंस सिस्टम वाला, जिसका पहले आंसर ए था और अब डी कर दिया गया है, हम ए चाहते हैं। और उसके बाद है सर क्वेश्चन नंबर 126, इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर वाला, और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 150, डिजिटल लाइब्रेरी वाला। ये 7 क्वेश्चंस हैं जिस पे हम प्रमुखता से बहस कर रहे हैं।